दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है। हमने अपने चैनल में बहुत सारे पुराने वीडियोस बना रखे हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि आज जो है 28 सितंबर है, तो आज जो है बहुत सारे फॉर्म की जो है लास्ट डेट ख़त्म होने वाली है। जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इन सब की जो है लास्ट डेट ख़त्म होने वाली है, तो आप उन सारे वीडियो को देख के फॉर्म को फिलअप कर लें। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं नई वैकेंसी की। तो नई वैकेंसी हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में, और क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, किस प्रकार का सिलेक्शन होगा, ये सारी चीज़ें जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन जो है पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। सो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बता दें, यहाँ पर जो वैकेंसी आई है आपका DSSB में जो है वैकेंसी आ रखी है, दिल्ली सिलेक्शन सबऑर्डिनेट बोर्ड में जो है यहाँ पे वैकेंसी आ रखी है, जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के फ्रेशर्स कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं। यहाँ पे अगर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की मैं बात करूँ तो 706 जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं। तो इस वैकेंसी का जो जॉब लोकेशन होगा आपका दिल्ली में होगा, यानी कि जो दिल्ली है वहाँ पे जो है दिल्ली फायर सर्विस में जो है वहाँ पे आपका जॉब लोकेशन होगा, जहाँ पे ग्रुप सी के लिए वैकेंसी निकली है। यहाँ पे ग्रेड पे जो है 2000 का है, तो इसका मतलब 2000 का जो ग्रेड पे है उस सैलरी अगर बात करूँ यहाँ पे, तो आपको 28,000 पर मंथ जो है यहाँ पे सैलरी बनेगी इसी ग्रेड पे के हिसाब से। और यहाँ पे 706 जो है टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से 190 जो है जनरल्स की, OBC की 115, और जो SC कैटेगरी है 309 सीट्स है, और ST कैटेगरी की 71 सीट्स है, EWS की 21 सीट्स है। तो ये जो है फायर ऑपरेटर फॉर मेल्स कैंडिडेट ओनली इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ध्यान रखिएगा, ओनली मेल्स कैंडिडेट जो है यहाँ पे एलिजिबल है, फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो देखिए, इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें आपका पहले टायर वन का एग्ज़ाम होगा, देन टायर वन का एग्ज़ाम होने के बाद उसका सिलेबस भी मैं बताऊँगा, देन आपका फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट होगा। तो फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट जो होगा वो आपका चीफ फायर सर्व ऑफिसर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो उसके बेसिस पे क्या क्या होगा वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो एग्जामिनेशन सेंटर है आपका दिल्ली में ही पड़ेगा, दिल्ली NCR में ही जो एक एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा। जो पेपर का मीडियम है वो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, और ये जो पेपर है उसमें जो कितने समय का रहेगा, तो उससे पहले हम ड्यूरेशन देख लेते हैं, सिलेबस देख लेते हैं कि क्या सिलेबस रहेगा। तो देखिए, जो टायर वन का एग्ज़ाम है उसमें जो सिलेबस रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस रहेंगे। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस जो है मोस्टली करंट इवेंट्स क्वेश्चंस रहते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, आर्ट, स्पोर्ट्स, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, देन यहाँ पे साइंटिस्ट जो साइंटिफिक रिसर्च है उसके बारे में, एवरीबॉडी साइंस के बारे में, एवरीडे जो साइंस होते हैं उसके बारे में। तो एवरीडे साइंस और ये हिस्ट्री वगैरह, पॉलिटी वगैरह के वीडियोज़ जो है चैनल में ऑलरेडी अपलोड है, आप जो है वहाँ से देख के इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जो वर्बल और नॉर्मल दोनों रीजनिंग जो यहाँ पे रखा गया है। देन तीसरा जो है अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जहाँ पे आपके मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अर्थमेटिक मैथ आएगी। मोस्टली जो क्वेश्चंस रहते हैं आपके कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंशुरेशन, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, टेबल इन ग्राफ्स, डेसिमल, डाटा इंटरप्रिटेशन, SCF, LCM, रेशन, प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ये सब जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन हैं आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। देन यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन लैंग्वेज का टेस्ट होगा। तो यहाँ पे जो है इसमें आपके कंप्रेंशन ऑफ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज से क्वेश्चन आएंगे, जिसमें वैकैब, ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेनम्स, एंटोनम्स और करेक्ट यूजेस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जो पेपर का ड्यूरेशन रहेगा आपका 2 घंटे का भी पेपर होगा, 200 क्वेश्चंस रहेंगे। तो क्वेश्चन का सिलेबस जो है मैंने बता दिया है, जो जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, देन यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज से जो क्वेश्चंस रहेंगे वो पूछे जाएंगे। हिंदी इंग्लिश के जो लैंग्वेज के क्वेश्चंस रहेंगे वो 40 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन हिंदी के, 40 क्वेश्चन इंग्लिश के जो है, जिसमें ग्रामर वगैरह सारी चीज़ें जो है पूछी जाएगी। तो ये जो है इसका पैटर्न हो गया, सिलेबस भी हो गया। अब यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है 0.25 का, और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं, तो इसमें दिया गया है कि कितने मार्क्स लेके आना है जिसमें आपको पास होना है। तो जनरल्स जो जनरल्स वाले कैंडिडेट हैं उनको 40% अगर लेके आओगे तो जो है आप यहाँ पे पास होगे, आपका जो है मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। बाकी जो OBC दिल्ली वाले कैंडिडेट हैं सिर्फ यहाँ पे उनको ही रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब अगर आप दिल्ली के हैं और कैटेगरी लगा रहे हैं OBC वाली तो आपका कैटेगरी जो है लगेगा, लेकिन अगर अदर स्टेट के हैं तो यहाँ पे OBC जो है एज ए जनरल काउंट होगा। बाकी SST के लिए यहाँ पे सेम रहेगा, ऑल ओवर इंडिया जो है SST का सेम रहता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ है।
देन यहाँ पे स्किल टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए स्किल टेस्ट जो है आपका 100 मार्क्स का है, तो जिसमें आपके लॉन्ग जंप 2.8, यहाँ पे इस मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड दे रखा है, ठीक है। देन यहाँ पे जो 2 पॉइंट आपका 8 है वो मीटर्स है, मतलब इतना मीटर जो है आपको टलना है। देन हाई जंप जो है 0.8 मीटर। देन 800 मीटर की रेस होगी जो आपको 200 सेकेंड के अंदर पूरी करनी पड़ेगी। तो ये जो है दिया गया है कि आप कितने पॉइंट पे कितना मिलेगा, कितने सेकेंड आप यूज़ करोगे तो कितना स्कोर जनरेट करोगे। तो ये जो है इसमें आपके लॉन्ग जंप, हाई जंप और 100 मीटर रेस यहाँ पे कराया जाएगा। देन फाइनल मेरिट लिस्ट जो है आपका किसके बेसिस बनेगी, टोटल परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन 3 क्राइटेरिया, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट एंड रिटन टेस्ट। अच्छा हाँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है वो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है, मतलब अगर आपके पास ये है तो आप जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10th पास सिर्फ मांग रखा है। देन दूसरा जो चीज़ मांग रखा है इसमें आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस व्हीकल होना चाहिए, जो हैवी वेट ड्राइविंग लाइसेंस व्हीकल होता है उसका लाइसेंस जो है आपके पास होना चाहिए। देन यहाँ पे आपको जो इंड्योरेंस टेस्ट और रिटन टेस्ट है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा जैसे यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो है यहाँ पे दिया गया है आपको ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट है। 10th पास और हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। देन यहाँ पे जो मिनिमम हाइट रखा गया है 165 हाइट रखा गया है, तो मिनिमम 165 हाइट वाले कैंडिडेट ही फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आई साइट जो है 6x6 होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म जो है कितना लिया जा रहा है, तो उससे पहले एज लिमिट बात कर देते हैं। तो एज लिमिट जो है मैक्सिमम 27 साल यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। बाकी जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ग्रेड पे मैंने आपको पहले बता दिया, यहाँ पे लगभग आपके पास 28,000 पर मंथ जो है सैलरी आएगी। देन यहाँ पे बात की जाए एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, तो एप्लीकेशन फ़ी जो है आपका 100 रुपीज़ का रखा गया है जनरल्स के लिए। बाकी जो SC ST और SC कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखा गया है। तो दोस्तों ये थी DSSSB में आई हुई वैकेंसी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई है। साथ ही साथ चैनल में बहुत सारे वीडियोस जो हैं अपलोड हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि इनकी लास्ट डेट जो है ख़त्म होने वाली है। और इससे भी आज जो है 28 तारीख है, तो 28 तारीख से पहले जितनी भी रिक्रूटमेंट हमने बता रखी है अगर आप जाके देखोगे तो हमने बहुत सारी रिक्रूटमेंट जो है बता रखी है। उन वीडियो को देखें और फॉर्म की लास्ट डेट ख़त्म होने पहले फिलअप कर लें। सो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।